देश में अभी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का मामला छाया ही हुआ था कि एक और कहानी ने देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बार महिला सीमा हैदर से ठीक उलट है। यहाँ एक भारतीय महिला सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गई है और अब इसको लेकर देश में बवाल मच गया है। महिला का नाम अंजू है। हालांकि सीमा हैदर के उलट अंजू बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गई है। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली है। वो राजस्थान में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने गई है। इस मामले में अंजू के पति अरविंद ने एक बड़ा बयान दिया है। अरविंद ने कहा है कि उनकी पत्नी अंजू सीमा हैदर जैसी नहीं है। उनका कहना है कि मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी नहीं। उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने के लिए? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने के लिए। क्लियर कट, मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीजा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं है। कोई जानकारी नहीं? सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ किसी अपने मित्र से मिलने गई हैं वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे। मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई है कि अपने मिस से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी मेरे। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। किससे मिलने गई है, कहाँ गई है? अरुण जी ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हो गए? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर, 2007 से शादी। और कौन कौन है फैमिली में आपके? मेरे दो बच्चे हैं, वो हैं अभी साले और घरवाली उसको बुलाया था। तो ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं या बात? ना, ऐसा तो मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। हाँ, तो वो भी वर्किंग है? हाँ हाँ, वर्किंग है, वो भी ड्यूटी जाती है। 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का इसका। आप क्या कारण मानते हैं कि आपकी वाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि वो देश छोड़ के दूसरे देश चली गई हैं, एक अनजान देश में? सर ये तो मैं बता नहीं सकता, वो आएगी तो ही बताएगी कि क्या है स्टेप, क्या है। वो कह तो रही थी आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ। आपकी बात उनसे हो रही है? हाँ नहीं, मेरे से तो नहीं हुई कि आऊँगी तो मैं बताऊँगी सारे कुछ, बच्चों से हुई होगी बात जो भी हो। चूँकि अभी एक मामला और गरमाया हुआ है सीमा हैदर का, हमने देखा ये पता तो है मेरे को। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरीके का मामला है? नहीं, उस तरह का नहीं है। इसके पास तो पासपोर्ट और वीजा है। अगर इगलकर से जाती तो कुछ और एरिया से जाती। हाँ, लेकिन ये जनून तरीके से गई है। हाँ, जनून तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। चूँकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती कि वो यहाँ पे सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आएगी। 4 बच्चे भी उनके नाम साथ लेकर आई हैं, अलग अलग तरीके से आई हैं, वो जाँच का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ गई है? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है। मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी करता था तो कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे को तो पता है। इससे पहले अंजू ने 24 जुलाई को कहा था कि वो महज 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान से भारत लौट आएंगी। अंजू ने अपनी बेटी से व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। इस दौरान अंजू ने फोन पर कहा कि वो 2 से 3 दिनों में वापस इंडिया लौटेंगी। अंजू के इस आश्वासन के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। अंजू लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए परिवार के संपर्क में है। अंजू ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि मैं सबको मैसेज देना चाहती हूं कि मैं पाकिस्तान लीगल तरीके से आई हूं, प्लानिंग के साथ आई हूं, मैं यहां पर सेफ हूं। जैसे मैं यहां आई हूं वैसे ही वापस भी आ रही हूं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई मेरे बच्चों या रिश्तेदारों को परेशान ना करे। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। बता दें कि अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के नसरुल्लाह से साल 2019 में फेसबुक के जरिए हुई। इसके बाद अंजू नसरुल्लाह से मिलने खैबर पख्तूनवा पहुँच गई हैं।
मगर अब मामला सामने आने के बाद नसरुल्ला अंजू से प्यार होने की बात को नकार रहा है। उसने एफिडेविट में इस बात का खुलासा किया है कि अंजू से उसका प्यार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि अंजू प्यार के कारण ही पाकिस्तान आई है। इस मामले में पूरा सच आखिर क्या है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।